मुख मेहमान जी की आमद हो चुकी है और झंडा चढ़ाया गया। इस तो बाद मुख मेहमान जी वालों परेड का निरीक्षण किया जाए। शेरगिल रोपड़ रेंज के डी आई जी श्री जी पी एस भुल्लर पार्टी वालों विधानसभा हलका सुनाम मुकुत सिंह वाला तो 2017-2022 लगातार दूजी बार विधायक चुने गए। मुख्यमंत्री वालों आप जी को जिला फतेहगढ़ साहब और जिला श्री मुक्तसर साहब के विकास कार्यक्रम में नेपरे चढ़ावन नवी पॉलिसी बनाने दिन रात काम कर रहे हैं ता जो आम लोगों को बेहतर बुनियादी सहूलत मुहैया करवाई जा सके। इस तो बाद किसी भी नजायज कॉलोनी का निर्माण नहीं हो सकेगा और ना ही किसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहगढ़ साहब के एनसीसी कैडेट की अगुवाई कर रहे हैं अंडर अफसर करणप्रीत सिंह। फतेहगढ़ साहब वालों इस जिले दे इस जिले विच प्यारे पंजाबियों सब तो पहला तो तुहानू समुचे पंजाब नू समुचे देशवासियों नू आजादी के गौरवमय 75वें दिहाड़े दिया लख लख मुबारक और अज दे इस विशेष समागम दे विच मैं गुरु साहब की इस पावन पवित्र धरती के उपर इस गौरवमयी तिरंगे नू नमन करके मैं गदगद महसूस कर रहा हाँ, मैं बहुत माण महसूस कर रहा हाँ। साथियों अज 75वां दिहाड़ा आजादी का और ये आजादी आपां नू देश दे उन्हां महान आजादियां खिलाड़ियां स्वतंत्रता संग्रामियां शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी राजगुरु सुखदेव जी शहीद उधम सिंह जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी लाला लाजपत राय जी और उन्होंने होर सैकड़े साथियों के जीवन के बलिदान की वजह करके अज आप इस आजाद फिजा के आनंद माण रहे हैं और देश ने इस आजाद फिजा के लिए बहुत बढ़िया मुल है जोड़ा वो उतारे है और अज पंजाब जोड़ा कि गुरुआ पीर पैगंबर और आजादी घलाटियों की धरती है वो पंजाब अज फिर मुड़ दोबारा भगवंत मान जी मुख्यमंत्री पंजाब की रहनुमाई के हेठ पंजाब नू मुड़ दोबारा सिरमौर सूबा बनाने के लिए यत्नशील है हर समय दिन रात एक करके भगवंत मान जी और उन्होंने पूरी टीम समुचे पंजाब को दे नाल मोटे नाल मोटा लगा के पंजाब नू मुड़ दोबारा सिरमौर सूबा बनाने लगी हुई है। मान साहब की अगवाई दे विच पंजाब सरकार तुहाडी अपनी सरकार दे विच अनेक नवेकलियां पहलकदमियां ने जिहड़ियां पहली बार हुई ने
पहलकदमियों की शुरुआत उस दिन हुई जिस दिन सरदार भगवंत सिंह जी मान ने मुख्यमंत्री की सहु खटकड़ कलां दे विच शहीद भगत सिंह की उस पावन पवित्र धरती नूं नमन करके शुरुआत की। अज मैं समझदा कि समुचे देश दे लई बहुत गौरवमयी दिन है जब अज आज़ादी नूं 75 साल जिहड़े ओह हो गए ने। आपां बड़े धूमधाम दे नाल बड़े शानो शौकत दे नाल समुचा देश है जिहड़ा ओह आज़ादी का यह गौरवमयी दिहाड़ा मना रहा है। और मैं समझदा कि पूरी दुनिया दे विच भारत सिरमौर देश होने वाल वध रहा है और ये मैं समझदा कि 130 करोड़ लोगों क्रैडिट है जिहड़ा ओह जांदा है। और मैं यही अरदास करदे अज गुरु साहब की इस पावन पवित्र धरती के उपर कि परमात्मा इस तरीके समुचे देश में साढ़े पंजाब को चढ़दियां कलावां दे विच रखण दे दुगनी रात चौगनी तरक्की खुशियां बख्शन। क्लीनिक खोले जा रहे हैं अज जिला फतेहगढ़ साहब विच किन्ने मोहल्ला क्लीनिक जिहड़े खोले जा रहे अज असी एक छलेड़ी खुरद का उद्घाटन जिहड़ा ओह करन जा रहे हैं। टोटल 3 ने जिहड़े डिस्ट्रिक्ट दे विच खोले जा रहे हैं। मंत्री साहब लोगों का कहना भी जिहड़े पहला डिस्पेंसरी है जेकर उन्होंने ठीक किया जाए दुरुस्त किया जाए तो इन्हां नूं नहीं दोनों चीज़ा साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड चल रही नहीं। जिहड़ा पहला वाले सिस्टम है पहला वाले ढांचे ने पहला वाला इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा हैगा उन्होंने दुरुस्त किया जाएगा और नवे ने जिहड़े जे सिर्फ और सिर्फ पहला ठीक करांगे उन्ने नाल भी काम नहीं चलना हैगा। पॉपुलेशन के मुताबिक वो इनसफिशियंट ने सो नवे भी खुलणगे और जिहड़े पुराने ने उन्हां नूं भी दुरुस्त किया जाएगा। एक मंत्री साहब सुप्रीम कोर्ट के जिहड़ी पटीशन चल रही है भी जिहड़ा चोणां दे दौरान जिहड़ा मुफ्त चीज़ां देण दी गल कीती जा रही किस तरह देखदे हो तुसीं? चलो देखो इस तरह कि अज बड़ा पवित्र दिहाड़ा जी आपां इह पोलिटिकल गल्लां ने जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत है असीं उहदा सत्कार करदे हां। उहनां दी जो भी ऑब्जरवेशन होएगी मैं समझदा कि वह सारा देश ही उन्हों गौर करेगा उसके उपर। और अज मैं समझदा कि एक पवित्र दिहाड़ा है और अज आप सिर्फ और सिर्फ देश के गौरव की गल करिए तो